इंग्लिश ग्रामर क्लास टू चैप्टर फाइव जेंडर ऑफ नाउंस। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को आप लोगों को देखना है, ठीक है। नंबर वन, सुमित इज अ ब्रेव बॉय। नंबर टू, गीता इज अ गुड गर्ल। नंबर थर्ड, द बुक इज ऑन द टेबल। नंबर फोर, द चाइल्ड इज माई फ्रेंड। नंबर वन, सुमित एंड बॉय आर द नेम्स ऑफ मेल्स। सुमित और जो बॉय है, सुमित किसका नाम है, बॉय का नाम है, जो कि मेल्स है। दे आर देयर फोर सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर। ये कौन से जेंडर हो गए, मैस्कुलिन जेंडर। ओके, यानी बॉय, बॉय का नाम अगर आता है या बॉय से रिलेटेड कोई भी हो, लाइक सुमित की जगह पे रोहन, अमित, कोई भी हो, तो वो क्या हो गए, मैस्कुलिन जेंडर, यानी मेल जेंडर में आएंगे, ठीक है। अनाउन, अनाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी मेल पर्सन और एनिमल। इट्स सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर एज द बॉय, मैन, अंकल, नेफ्यू, लायन, बुल। ये सारे क्या हो गए, मैस्कुलिन जेंडर के अंदर में आएंगे। कौन कौन, मेल पर्सन, मेल एनिमल, एंड बॉय, मैन, अंकल, नेफ्यू, लायन, बुल, ये सारे क्या मैस्कुलिन जेंडर के अंदर में आएंगे, ठीक है। नंबर टू, गीता एंड गर्ल द नेम ऑफ फीमेल्स। गीता जो है किसका नाम है, गर्ल का नाम है। दे आर देयर फोर सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर, यानी जो यहाँ लड़कियों से रिलेटेड हो उनका नाम, जैसे कि गीता, गीता एंड गर्ल आर द नेम ऑफ फीमेल्स। दे आर देयर फोर सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर। गीता जो है वो एक लड़की का नाम है, यानी वो एक फेमिनिन जेंडर। गीता के जगह पे अगर माला, सीता, रीता, किसी भी लड़की से रिलेटेड नाम हो तो वो फेमिनिन जेंडर के अंडर में आएंगे, ठीक है। अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर एज अ गर्ल, वुमन, आंटनेस, लायनेस, काउ। ये सारे क्या फेमिनिन जेंडर में आएंगे, ठीक है। लाइक कौन कौन से, गर्ल, वुमेन, आंटनेस, लायनेस, काउ, ये सारे फेमिनिन जेंडर के अंडर में आएंगे, ठीक है। नंबर थर्ड, बुक एंड टेबल आर द नेम्स ऑफ द थिंग विदाउट लाइफ। दे आर देयरफॉर सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मीन्स नाइदर जेंडर, यानी जिसका कोई जेंडर ना हो, ठीक है। वो क्या है, किस में आएंगे, न्यूट्रल जेंडर में, ठीक है। बुक्स, टेबल, ये सारी चीजें क्या न्यूट्रल अंडर, न्यूट्रल जेंडर के अंडर में आएंगे। अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग विदाउट लाइफ इज सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर एज अ डेस्क, चेयर, टेबल, नाइफ, पेन, ये सारी चीजें क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है। नंबर फोर, चाइल्ड एंड फ्रेंड कैन बी यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। जो चाइल्ड होते हैं वो उनके मतलब चाइल्ड फ्रेंड्स होते हैं, लाइक मेल्स, फीमेल होते हैं। दे आर देयर फॉर सेट टू बी द कॉमन जेंडर, ठीक है। अनाउन दैट इज द नेम ऑफ एन एनिमल और पर्सन दैट मे बी आइदर मेल और फीमेल्स। इज सेट टू बी द कॉमन जेंडर एज अ पेरेंट। पेरेंट्स में कौन कौन आएंगे, दोनों फादर भी है और मदर भी है, और चाइल्ड में बॉय या गर्ल, और फ्रेंड में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो जहाँ पे दोनों हो या वहां पे कॉमन जेंडर का यूज किया जाएगा, ठीक है, यानी वो एक कॉमन जेंडर है। हाउ टू फॉर्म फेमिनेंस ऑफ नाउंस। द फॉलोइंग नाउंस फॉर्म द फेमिनेंस बाई एडिंग एसेस टू द मैस्कुलिन एज। यहाँ पे मैस्कुलिन से फेमिनिन में हम कैसे चेंज करते हैं, यानी मेल टू फीमेल, ठीक है। मेल कौन कौन हो गए, लायन, और फीमेल लायनेस, शेपर्ड, क्या हो गया, शेपर्ड जो है वो मैस्कुलिन है, और शेपर्ड्स यानी फेमिनेंस, प्रिंस मैस्कुलिन, प्रिंसेस फेमिनेंस, यानी मेल एंड फीमेल पे, मेल पे प्रिंस हम लोग यूज करते हैं ना, राजकुमार जो मेल होते हैं उन पे हम लोग प्रिंस यूज करते हैं, राजकुमार पे प्रिंसेस। एक्टर, एक्ट्रेस, गॉड, गॉडेस, टाइगर, टाइग्रेस, इम्पीरियर, इम्प्रेस, हंटर, हंट्रेस, वेटर, वेट्रेस। ओके, ये सारे क्या मैस्कुलिन, इस साइड वाले सारे क्या है, मैस्कुलिन है, और इस साइड वाले सारे के सारे फेमिनिन्स है। ओके, नोट, द फेमिनिन ऑफ हीरो इज हीरोइन। अगर हीरो क्या है, मैस्कुलिन हो, इसे कन्वर्ट फेमिनिन में किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हीरोइन। ओके, सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय अ चेंज ऑफ वर्ड एज अ बॉय, बॉय का गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, बुल, काउ, कॉक, हैंड, फादर, मदर, जेंटलमैन, लेडी, हॉर्स, मेयर, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, मैन, वुमन, नेफ्यू, नीस, सन, डॉटर, डॉटर, सर, मैडम, अंकल, आंट, विडो, विडो। सम फेमिनिन
nouns are formed by replacing a word before or after as grandfather, grandmother, landlord, landlady, manservant, manservant, milkman, milkmaid, washerman, washerwoman. एक्सरसाइज नंबर वन, राइट द जेंडर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे आप लोगों को जेंडर को लिखना है, ठीक है, और पहचानना है कि रिंग, रिंग क्या है, न्यूट्रल जेंडर, इम्प्रेस न्यूट्रल जेंडर. इम्प्रेस फेमिनिन, टीचर, टीचर कॉमन जेंडर है ना, टीचर कोई भी हो सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, इसलिए ये कॉमन जेंडर है, यानी दोनों आ सकते हैं. आंट फेमिनिन जेंडर, बेबी कॉमन जेंडर, लेडी फेमिनिन जेंडर, डॉटर फेमिनिन जेंडर, मेन मैस्कुलिन जेंडर, वॉल न्यूटर, पुपिल कॉमन, प्रीस्ट कॉमन, प्लेस कॉमन, सन मैस्कुलिन, हस्बैंड मैस्कुलिन, गर्ल, गर्ल कौन सा जेंडर में आ गया, गर्ल जो है वो फेमिनिन जेंडर में, मैप न्यूटर, फ्रेंड कॉमन, नेफ्यू मैस्कुलिन, सर्वेंट कॉमन, बुल मैस्कुलिन, चाइल्ड कॉमन. ओके, इस तरह से आप लोगों को फील. नंबर टू, गिव द ऑपोजिट जेंडर ऑफ ईच द फॉलोइंग नाउन्स. सिस्टर, सिस्टर का क्या होगा, ब्रदर, अंकल का आंट, बुल का काउ, टाइगर, टाइग्रेस का टाइगर, टाइग्रेस का टाइगर्स, एक्टर का एक्ट्रेस, लायन का लायनेस, सन का डॉटर, प्रिंस का प्रिंसेस, नेफ्यू का नीस, मेयर का हॉर्स, सन का डॉटर, प्रिंस का प्रिंसेस, नेफ्यू का नीस, हॉर्स, मेयर का हॉर्स, मिल्कमैन का मिल्कमैन, वाइफ का हस्बैंड, लेडी का जेंटलमैन, गर्ल बॉय, गवर्नेस गवर्नर, क्वीन किंग, लैंड लेडी लैंडलॉर्ड, मदर फादर. ओके, नेक्स्ट. Number third, rewrite the following sentence changing the nouns in color from masculine to feminine. यहाँ पे आप लोगों को masculine to feminine में इसे change करना है, ठीक है. Number one, the emperor loved the prince very much. अब इसे हम masculine से लेकर इसे हम feminine में convert करेंगे. The empress loved the princess very much. Number two, the shepherd played the part of the hero. The shepherd played. The shepherd played with the part of the heroine. Number third, my uncle and nephew will visit us next week. My aunt and niece will visit us next week. Number four, the boy saw a lion and a tiger at the zoo. The girl saw a lioness, a tigress at the zoo. यहाँ पे क्या masculine से सारे feminines में convert हो रहे, ठीक है. जो रेड वाले जो किए गए हुए हैं डार्क कलर से, रेड कलर से, उन्हें हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मैस्कुलिन. ये सारे क्या है मैस्कुलिन, अभी इन्हें हम फेमिनिन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है. द किंग हैड नो ब्रदर, द क्वीन हैड नो सिस्टर, द ओनली सन ऑफ अ रिच मैन इज लाइकली टू बी स्पॉइल्ड, द ओनली डॉटर ऑफ अ रिच वुमन इज लाइकली टू बी स्पॉइल्ड. Number seven, the man servant helped the landlord. The man servant helped the landlady. Number eight, tell your husband to see the gentleman. Tell your wife to see the lady. Number nine, here is the actor who played the part of the milkman. Here is the actress who played the part of the milkmaid. Ten, the hunter rode on a white horse. The huntress rode on a white mare.